हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पे आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज, जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। ये आपके फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का सेकेंड ही टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो नेचर हम ऑलरेडी लेक्चर टू में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी ड्रग्स हैं, जिनको भी हम यूज़ करते हैं डिसीज़ के ट्रीटमेंट में, उन ड्रग्स को हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या ये जो ड्रग हैं हम इनको कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो ड्रग को ऑब्टेन करने का कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता, बहुत सारे सोर्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स को हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। जैसे हम बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, बहुत सारी ड्रग को एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं, बहुत सारी ड्रग्स को मैरीन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत सारी ड्रग्स मिनरल सोर्सेज की भी होती हैं, और बहुत सारी ड्रग, बहुत सारी नहीं, इवन 60% जो ड्रग्स होते हैं, 60-70% वो सिंथेटिक ओरिजिन के ही होते हैं। तो ये है अबाउट द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। तो हम इनको ही एक एक करके यही सारे के सारे सोर्सेज को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो फर्स्ट सोर्स को डिस्कस करते हैं, प्लांट एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। तो यहाँ पर आप ये जितने भी सोर्सेज पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लिखने के लिए। जैसे प्लांट के बारे में लिख रहे हो, एनिमल के बारे में लिख रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, फर्स्ट तो आपको याद होना चाहिए अगर आप प्लांट के बारे में लिख रहे हो तो कौन सा प्लांट है। एनिमल के बारे में लिख रहे हो तो किस एनिमल से ऑब्टेन होगा। मैरीन के बारे में लिख रहे हो तो मैरीन ही है, और मैरीन से भी किस ऑर्गेनिज्म के, मैरीन के अंदर भी प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, तो प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं मैरीन के अंदर से या फिर एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं, उसका नाम लिखना है। मिनरल का तो खैर कोई नाम होगा ही नहीं, और अगर सिंथेटिक ओरिजिन है तो उसका भी नाम नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लांट, एनिमल या मिनरल के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें जरूर लिखनी है। एक तो नाम लिखना है जिससे भी ऑब्टेन हो रहा है, सेकेंड चीज़ उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे प्लांट है या एनिमल है या मैरीन है, उसके अंदर कौन सा केमिकल मिल रहा है, आपको इसके बारे में जरूर लिखना है। और थर्ड लिखना है आपका, आपको उसका यूज, कि इसका यूज क्या है। फर्स्ट में उसका नेम लिखना है। जैसे अगर हम प्लांट की ही बात करें, अगर हम यहां पे सेना के बारे में लिख रहे हैं प्लांट का नाम, तो सेना के अंदर केमिकल कौन सा होता है, सेनोसाइड होता है। और सेनोसाइड जो होते हैं उनका एक्शन क्या होता है, तो ये काम करते हैं एज लैक्सेटिव। तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए हर किसी के अंदर, आपको ये तीन चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, क्या नाम है उसका, क्या केमिकल है उसका, और क्या यूज़ है इसका। इन तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ भी मिस नहीं करनी है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट प्लांट एज अ सोर्स ऑफ ड्रग्स। प्लांट जो है वो, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, सबसे पहले प्लांट से ही ऑब्टेन करते थे ड्रग्स। तो जो प्लांट है वो ओल्डेस्ट नेचुरल सोर्स है ड्रग्स का, क्योंकि सबसे पहले, ओल्डेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम प्लांट्स को ही यूज करते थे, जब तक हमें नहीं पता था कि एनिमल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं पता था मिनरल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और सिंथेटिक की तो खैर बात ही मत करो, क्योंकि सिंथेटिक सोर्स तो अभी ही थोड़े टाइम पहले से ही सिंथेटिकली डराइव्ड हो रहे हैं ड्रग्स, वरना सबसे पहले हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते थे। तो इसीलिए यहां पे लिख रहे हैं कि ये ओल्डेस्ट नेचुरल सोर्स है ड्रग्स का। अभी भी हम बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं, जैसे अगर बात करें ट्रोपीन की, हायोसिन की, विनक्रिस्टीन की, विनब्लास्टीन की, तो बहुत सारे अभी भी ड्रग्स ऐसे हैं, जैसे डिगोक्सिन भी हो गया एक, तो बहुत सारे ड्रग अभी भी ऐसे हैं जिनको हम अभी भी प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। ड्रग्स जो होती हैं वो प्लांट के ऑलमोस्ट सारे पार्ट से ही ऑब्टेन होते हैं। जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं वो लीव्स में मिलती हैं प्लांट की, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो रूट्स में ही मिलेंगी, बहुत सारी ड्रग्स ऐसे हैं जो स्टेम में ही मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन करते हैं हम, जो भी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं ड्रग्स उनको। तो अब हम ऐसे वाले प्लांट के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनसे हम ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है प्लांट पार्ट, प्लांट, ड्रग और यूज। अगर आप प्लांट पार्ट नहीं भी लिखोगे यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन आपको ये तीनों चीज जरूर लिखनी है कि कौन सा प्लांट है, उससे कौन सा ड्रग ऑब्टेन हो रहा है और उस ड्रग का क्या यूज है। ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजों में से तो आपको एक भी चीज मिस नहीं करनी है। अगर आप चाहो तो ये प्लांट पार्ट वाला छोड़ सकते हो।
फर्स्ट पढ़ेंगे डिजिटलिस प्लांट। तो डिजिटलिस प्लांट की हम लीव्स यूज करते हैं और इसकी लीव्स में प्रेजेंट होता है डिगोक्सिन, और डिगोक्सिन जो होता है वो कार्डियोटोनिक की तरह काम करता है। मतलब पढ़ेंगे विनका के बारे में। विनका जो होता है इसका हिंदी में सदाबहार नाम होता है। तो विनका जो होता है इसके हम फ्लावर्स यूज करते हैं, और इसके फ्लावर्स के अंदर होता है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन दो केमिकल। ये दोनों ही केमिकल बहुत अच्छे एंटी कैंसर एजेंट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कोरिएंडर। तो कोरिएंडर के हम सीड्स यूज करते हैं, और इसके सीड्स के अंदर जिरेनियोल होता है, और जिरेनियोल जो होता है वो काम करता है कार्मिनेटिव, इसीलिए हम बोलते हैं कि कोरिएंडर का यूज होता है कार्मिनेटिव। नेक्स्ट है दतूरा। दतूरा का हम फ्रूट यूज करते हैं, और दतूरा के अंदर प्रेजेंट होता है एट्रोपीन, और एट्रोपीन का काम क्या होता है, तो ये पैरासिम्पेथोलाइटिक की तरह काम करता है, जो काम एसिटाइल कोलीन के होते हैं उनसे जस्ट अपोजिट काम करता है ये। नेक्स्ट देखेंगे सर्पगंधा के बारे में, इसको हम रवोल्फिया भी बोलते हैं। तो रवोल्फिया की या सर्पगंधा के हम रूट्स यूज करते हैं, और इसके अंदर केमिकल होता है रेजरपिन, जिसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंकोना की बार्क के बारे में। तो सिंकोना की बार्क जो है, जैसे यहाँ पे बार्क लिख रहा है तो ऑब्वियसली ये बार्क से ही ऑप्टेन होता होगा, और सिंकोना के अंदर होता है क्विनीन। तो कोना से क्विनीन आप याद रख सकते हो, ये कोना लिख रहा है, कोना मतलब क्विनीन, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और जो क्विनीन होता है वो एंटी मलेरियल एजेंट होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इसके अंदर दो केमिकल होते हैं, एक होता है क्विनीन और एक होता है क्विनीडीन। तो आप लोग क्या करते हो, एग्जाम में क्विनीडीन लिखाते हो केमिकल और उसका यूज लिख देते हो एंटी मलेरियल, तो ये गलत होता है। क्विनीन जो होता है वो एज एंटी मलेरियल काम करता है, और जो क्विनीडीन होता है वो एज एंटी एरिदमिक काम करता है, ये एंटी एरिदमिक होता है, ये मलेरिया में काम नहीं करता, ये सिर्फ एरिदमिया जो हो जाता है, जो रिदम बिगड़ जाता है हर्ट का, ये उसमें काम आता है। तो अगर आपको यहाँ पे क्विनीडीन लिखना है तो इसका यूज लिखो हमेशा एंटी एरिदमिक, और अगर आपको यहाँ पर क्विनीन लिखना है तो इसका यूज लिखो एंटी मलेरियल। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो हुआ करो, इसको ठीक ही लिखना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्मरिक। तो टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं, और आपको पता होगा हल्दी के राइजोम यूज करते हैं। इसके अंदर केमिकल होता है करक्यूमिन, और ये यूज होता है एज एंटी इंफ्लामेटरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिमल एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। तो बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज जो होते हैं एनिमल के, उनको हम यूज करते हैं ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए, जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है एक्शन करने के लिए उसको ही हम बोलते हैं एक्टिव प्रिंसिपल। जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं एनिमल ड्रग्स के, वो प्रोटीन होंगे या ऑयल होंगे या फैट होंगे या एंजाइम होंगे या हार्मोन होंगे, क्योंकि और क्या मिलेगा एनिमल से, यही तो सारी चीजें मिलेंगी। तो वही अब यहाँ पर देखते हैं एनिमल का कौन सा टिश्यू या ऑर्गन होगा, और यहाँ पर पढ़ेंगे कि उसके अंदर से हम कौन सा ड्रग ऑब्टेन कर सकते हैं, और यहाँ पर पढ़ेंगे कि उसका यूज क्या है। तो जैसे पैंक्रियाज से ऑब्टेन करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के, तो यहाँ पर आप गोट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, शीप भी लिख सकते हो क्योंकि इनकी ही पैंक्रियाज से हम ऑब्टेन करते हैं, तो चाहो तो गोट पैंक्रियाज या शीप पैंक्रियाज भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के जैसे आपको पता होगा पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं यही बनाते हैं इंसुलिन। तो आप आसानी से लिख दोगे कि यहाँ पैंक्रियाज का नाम आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा होगा, इंसुलिन बन रहा होगा। तो पैंक्रियाज से हमें ऑब्टेन होता है इंसुलिन, और इंसुलिन जो होता है वो कैसे काम करता है, एज एंटी डायबिटिक। ये जो शुगर पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये शुगर को, शुगर लेवल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन से ऑब्टेन होता है HCG, और HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये जो हार्मोन होता है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। जो प्रेगनेंट है शीप के थायराइड, तो शीप का थायराइड जो होता है, तो थायराइड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो होता है थायरोक्सिन, तो ऑब्वियसली इससे थायरोक्सिन ही ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे जो थायरोक्सिन होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, एज एंटी थायरॉयड। जिनमें हमें थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, उन लोगों के लिए हम यूज करते हैं थायरोक्सिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैरीन एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। मैरीन का मतलब होता है समुद्र, तो जो समुद्र से ऑब्टेन होते हैं ड्रग्स उनके बारे में बात करेंगे। और बायो एक्टिव कंपाउंड्स का मतलब भी क्या हुआ, वो कंपाउंड जिनको हम डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। बायो एक्टिव मतलब जो बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्टिव हो। तो बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो मैरीन फ्लोरा और फौना से ऑब्टेन होते हैं
उनमें उनका एक्सटेंसिव पास्ट है और प्रेजेंट में भी उनका यूज हो रहा है बहुत सारी डिसीज को क्योर करने के लिए, और बहुत सारे कंपाउंड्स इवन ऐसे हैं जिनको हम टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं सिंथेटिक मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। स्टेरॉइड का कॉमन स्ट्रक्चर होता है, इसका कॉमन स्ट्रक्चर होता है ये, इसके अंदर तीन होती है बेंजीन रिंग और एक होती है फाइव मेंबर्ड रिंग। अब इसके बाद में ना हमने यहाँ से एक टेम्पलेट हमें मिल गया, ये हम कहीं से भी ऑप्टेन कर लेते हैं, जैसे प्लांट के अंदर से भी ऑप्टेन कर लेते हैं, डायोस्कोरिया के अंदर यही स्ट्रक्चर भी मिलता है, और इसको जैसे सपोज करो हमने मैरीन सोर्स से भी ये एक न्यूक्लियस को ऑप्टेन कर लिया। इसके बाद में अपने अकॉर्डिंग कि हमारे लिए कहाँ पे कौन सा ग्रुप ऐड करने से एडवांटेज मिलेंगे वो ग्रुप्स हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने OH ऐड करवा लिया, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगवा लिया, तो जो भी हमें करना होता है यहाँ CH3 ऐड करवा लिया, यहाँ पे ये करवा लिया, तो हम टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर हमने ऑप्टेन कर लिया मैरीन सोर्स से, और इसके बाद में जहाँ जहाँ भी हमें ग्रुप्स को ऐड करना है वहाँ वहाँ पर हम ग्रुप्स को ऐड करवा लेते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो हमने टेम्पलेट अगर हमें मिल गया तो फिर हमारे लिए ग्रुप्स ऐड करना बहुत ईजी हो जाता है। तो समुद्र से यानी मैरीन से हमें बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनमें हम सिंथेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब लैब में उनके अंदर ग्रुप्स को ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैरीन के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनसे कौन सी ड्रग मिलती है और उस ड्रग का क्या यूज होता है। तो रेड एल्गी जो होती है उससे हमें अगार अगार मिलता है, और अगार अगार को आपने पढ़ा होगा जहाँ पर आपने टिश्यू कल्चर के बारे में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो टिश्यू कल्चर मीडिया बनाना पड़ता है, और उस मीडिया की विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए हम अगार अगार का यूज करते हैं, या उसका सॉलिडिफिकेशन करने के लिए हम अगार अगार का यूज करते हैं, तो यही इसका यूज होता है विस्कोसिटी एनहेंसर की तरह। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है रेड सी वीड, और ये जो रेड सी वीड होता है इससे हमें ऑप्टेन होता है कैराजिनन्स। जो कैराजिनन्स होते हैं उनको भी हम सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, मतलब सस्पेंशन में यूज कर सकते हैं और इमल्शन के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो है डेसिडिया अवारा, और जो डेसिडिया अवारा होता है इसे हमें एवेरॉल एंड एवेरॉन दो ड्रग्स मिलते हैं, और ये दोनों ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अभी, ये दोनों ही ड्रग्स यूज होते हैं एज एंटी इन्फ्लामेटरी। नेक्स्ट सेक्सीडोमस गिग्नेटस, इससे हमें ऑप्टेन होता है सेक्सीटॉक्सिन, और ये एक बहुत अच्छा एनास्थेटिक होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोबियल सोर्स के बारे में, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम बेसिकली यूज करते हैं उनसे एंटीबायोटिक ऑप्टेन करने के लिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जैसे एक माइक्रोब है, और ये जो माइक्रोब है ये अपने अंदर न्यूट्रिशंस को यूज करके बाई प्रोडक्ट्स निकालता है बाहर, सिक्रीट करता है, और ये जो बाई प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये पेनिसिलियम नोटेटम है इससे हम ऑप्टेन करते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसको यूज करते हैं एज एंटीमाइक्रोबियल। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, इससे हमें ऑप्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये भी यूज होता है एज एंटीमाइक्रोबियल। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, इससे हमें ऑप्टेन होता है नियोमाइसिन, जो यूज होता है एज एंटीमाइक्रोबियल। नेक्स्ट है सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम, इससे हमें ऑप्टेन होता है सिफेलोस्पोरिन, और ये भी एक्ट करता है एज एंटीमाइक्रोबियल। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंथेटिक सोर्स, तो सिंथेटिक सोर्स कौन से होते हैं, जिन ड्रग्स को हम लैब के अंदर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को यूज करके। तो जैसे यहाँ पर जो पैरासिटामोल है उसको भी हम लैब में ही बनाते हैं, ये हम ना प्लांट से ऑप्टेन करते ना एनिमल से ऑप्टेन करते ना माइक्रोबियल सोर्स से ऑप्टेन करते, इसको हम लैब में बनाते हैं केमिकल्स यूज करके। तो जो पैरासिटामोल है उसको आपको पता ही होगा फीवर में देते हैं, और जो फीवर को कम कर देते हैं ड्रग्स उनको ही एंटीपायरेटिक बोलते हैं, तो पैरासिटामोल काम करता है एज एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन जो होता है वो काम करता है एज एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है प्रोप्रेनोलोल, और जो प्रोप्रेनोलोल होता है वो काम करता है एज सिंपेथोलाइटिक। नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन, और जो नियोस्टिग्मिन होता है वो काम करता है एज पैरासिंपेथोमिमेटिक, मतलब एसिटाइल कोलिन जैसे एक्शन देता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसको हम यूज करते हैं ड्रग्स बनाने के लिए। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो भी एक बहुत अच्छा अभी सोर्स है ड्रग्स को ऑप्टेन करने के लिए। और जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है वो एक्चुअल में हम क्यों इसको यूज करते हैं, तो प्लांट के अंदर जो भी केमिकल बन रहा है ये उसका कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर हम बात करें धतूरा की, तो धतूरा के अंदर बनता है एट्रोपीन,
सपोज करो ये जो एट्रोपीन है ये अभी 100 ग्राम दतूरा के अंदर हमें केवल 5 ग्राम मिलता है, तो अगर हम इसी का ही टिश्यू कल्चर करवा देते हैं, और टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू एक्चुअली में हम करते क्या है, जिस जो भी जीन इस एट्रोपीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस जीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं धतूरा के डीएनए के अंदर। तो जब भी धतूरा का प्लांट बड़ा होता है तो वो बहुत ज़्यादा एट्रोपीन बनाने लग पड़ता है। तो सपोज करो जो ओरिजिनल प्लांट था धतूरा का वो 5 ग्राम बना रहा था 100 ग्राम धतूरा के अंदर, तो अभी जब हमने टिश्यू कल्चर करके नया धतूरा का प्लांट बनाया है वो क्या करेगा 100 ग्राम के अंदर कम से कम 15 ग्राम तक बना देगा एट्रोपीन। तो ड्रग वही बनेगी, केवल उसका कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के अंदर बढ़ जाता है, उसका अमाउंट प्लांट के अंदर बढ़ जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। इसके बाद में प्लांट टिश्यू कल्चर जो है उसको करते कैसे हैं, तो जैसे दतूरा का ही अगर हमें करना है तो दतूरा का एक सेल या टिश्यू ले लेंगे और उसको एक कल्चर मीडिया के अंदर उसको ऐड करा देते हैं और उसको सारी वो चीज़ें दे देते हैं जिसकी वजह से ये सेल जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और फिर जब ये सेल ग्रो कर करके बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं उसको कैलस बोलते हैं, फिर कैलस के अंदर हम प्लांट हॉर्मोन्स ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर रूट शूट दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फिर जब ये प्लांटलेट बन जाता है तो हम इसको फील्ड में जाके लगा लेते हैं। तो इसीलिए प्लांट टिश्यू कल्चर है उसका डेफिनेशन क्या होता है कि पीटीसी जो होता है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम ग्रो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का एक डिफाइंड सॉलिड या लिक्विड मीडिया के अंदर और अंडर स्टेराइल कंडीशंस। जो प्लांट सेल या टिश्यू कल्चर है अभी वो बहुत ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है किस किस का टिश्यू कल्चर करने से किस किस ड्रग का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे कैलस कल्चर अगर हम करते हैं विनका का, तो जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन इसके मेन केमिकल हैं उनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और ये दोनों यूज होते हैं एज एंटी कैंसर। नेक्स्ट है सस्पेंशन कल्चर अगर हम करें थैलेक्ट्रा माइनस का, तो इससे बर्बरीन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और बर्बरीन काम करता है एज एंटी हाइपरलिपिडमिक। नेक्स्ट है कैलस कल्चर अगर हम करते हैं सिंकोना का, तो क्विनीन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और क्विनीन काम करता है एज एंटी मलेरियल। नेक्स्ट है कैलस कल्चर करते हैं अगर पेनेक्स जिनसेंग का, तो जिनसेंगोसाइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और जिनसेंगोसाइड जो होते हैं ये काम करते हैं एज इम्यूनो मॉड्यूलेटरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी सोर्स, तो बायोटेक्नोलॉजी सोर्स के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स बनवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके। जैसे इंसुलिन जो है उसका हम अभी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाते हैं, और थायरोक्सिन का भी अभी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही प्रोडक्शन करवाते हैं, क्योंकि जो हम इंसुलिन को ऑप्टेन कर रहे थे गॉट या शीप के पैंक्रियाज से और थायरोक्सिन को ऑप्टेन कर रहे थे एनिमल के थायरॉइड ग्लैंड से, तो जब भी हम एनिमल के ऑर्गन से इनको आइसोलेट करते थे और किसी भी ह्यूमन पेशेंट को इनको इनका इंजेक्शन लगवाते थे तो वो एलर्जी कॉज हो जाती थी ह्यूमन के अंदर। पर अभी जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इन दोनों का प्रोडक्शन करवाते हैं तो ह्यूमन बीइंग को कोई एलर्जी नहीं होती है, क्योंकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो इंसुलिन और थायरोक्सिन बनते हैं ये उसी सेम जीन के थ्रू बनते हैं जिन सेम जीन के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर बनता है। तो क्योंकि सेम ही बनता है ये, जैसा ह्यूमन के अंदर होता है वैसा ही सेम बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये एलर्जी कॉज नहीं करता। जैसे इंसुलिन जो होता है ये एंटी डायबिटिक की तरह यूज होता है और जो थायरोक्सिन है वो एंटी थायरॉइड की तरह यूज होता है। थैंक यू।